मेरा नाम फजील अहमद ख़ान है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ। मेरी रहाइश लाहौर की है। मेरा आधा बचपन जो है वो हेपेटाइटिस की बीमारी में गुजरा है। मैं हर साल दो साल बाद मुझे कोई ना कोई हेपेटाइटिस हो जाता था। अब जब मुझे लास्ट टाइम हेपेटाइटिस बी और ये एक साथ था, तो मेरे एक दोस्त अली ने मुझे सूरह रहमान का पैगाम दिया। वो फिर मैंने सुनना शुरू किया। उसको सुनते हुए अभी दूसरा दिन था कि मुझे सुकून महसूस होने लग गया, और मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि मेरी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। इस बात को 6 साल हो गए, और उस दौरान मुझे इस तरह की कोई बीमारी नहीं हुई, ना ही हेपेटाइटिस ना ही कुछ और। और जैसे कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म है कि सूरह रहमान सुनने के बाद उसे फैलाया जाए, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की कि मैं सूरह रहमान फैलाना शुरू करूं। फिर जब मैंने फैलाना शुरू की तो मुझे अपने अंदर जो चेंजेस महसूस हुई कि ऐसे कि मेरा पेशेंस बढ़ गया है, मेरे अंदर बर्दाश्त भी बढ़ गई है, मेरे अंदर एक ठहराव सा आ गया है, और मेरा आहिस्ता आहिस्ता जो है गुस्सा कम हो रहा है। और दूसरों की खामियां और बुराइयां निकालने के बजाय मैंने अपनी खामियों और बुराइयों पे फोकस करना शुरू कर दिया है, उनको पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है, और कोशिश करता हूँ कि उनको सही कर लूँ। और सूरह रहमान सुनने और फैलाने से मुझे ये महसूस हुआ है कि अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, और मेरा ये मानना है कि अल्लाह का ये करम है और शुक्र है कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का ये सूरह रहमान का पैगाम मुझे मिला, मैंने सुना, और वारिस कलंदर सैयद बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई। सैयद बाबा जी से मुझे सिर्फ प्यार ही मिला है। जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है तो मुझे उनकी मोहब्बत की शिद्दत महसूस होती है। मैंने सूरह रहमान फैलाना भी उन्हीं से सीखा है, उन्होंने ही सिखाया है, उन्होंने ही मुझे ग्रूम किया है। उनका ही ये सबक है कि सूरह रहमान सुनी जाए और उसके बाद उसे आगे लोगों तक फैलाया जाए। तो जो ये देख रहे हैं, जिन तक ये पैगाम पहुंच रहा है, मेरी ये सजेशन है उनको कि सूरह रहमान ज़रूर सुने और ज़रूर आगे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके। Oh yeah।
फरीदाचा भाल भले है भवानिया ते मथे लालिया आपे जाहिर आपे बातन आपे लुक लुक बहते आपे मुल्ला आपे काजी आपे इल्म पढ़ेंदे हो बुले शाह शाह इनायत मैनू हो बुले शाह शाह इनायत मैनू हो पल पल दर्शन दे بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ یاد رکھیے، قرآن پاک مکمل شفا ہے. تمام وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی بیماری، ذہنی الجھن، نفسیاتی کرب اور روحانی الجھنوں کا شکار ہوں، وہ سورہ الرحمن سنیں. سورہ الرحمن سننے کا طریقہ، قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں سورہ الرحمن بغیر ترجمے کے ویب سائٹ www.alrahman.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا ایپ دا الٹیمیٹ ریمیڈی انسٹال کر لیں. اب آنکھیں بند کر لیں اور بارگاہ الہی میں پیش ہو کر توجہ اور یکسوئی سے سنیں. سورہ الرحمن ختم ہونے کے بعد آنکھیں کھول لیں اور آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں تین بار اللہ 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 کہیں اور پھر یہ پانی تین سانسوں میں پی لیں. یاد رکھیے، شفا من جانب اللہ ہے. آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر 7 روز تک دن میں 3 بار سنیں، جبکہ عام تندرست لوگ دن میں 1 مرتبہ ضرور سنیں اور رحمت خداوندی سے مستفید ہوں. یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیاں والی سرکار قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے، جن کی جذبی یکسوئی نے عشق حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا. قلندر پاک رحمت اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام. Who says that there is no cure to a physical disease
worldly complications and other affliction, misfortune, or evilness. Please remember, the Holy Quran is a complete remedy and source of blessings. Although suffering from any physical illness, spiritual disturbances, or mental, psychological disorder, should listen Surah Al-Rahman, a recitation by Qari Abdul Basit, without translation. How to listen? Please download recitation by Qari Abdul Basit without translation from www.alrahman.com or install the app The Ultimate Remedy. Now close your eyes. Feel yourself in front of Allah Almighty. Then listen to it with greater concentration and closed eyes. When the recitation is finished, open your eyes and take half glass of water. Close your eyes again and say Allah 3 times in your heart. Then drink the water with closed eyes in 3 sips. Remember, Shifa, cure is from the Almighty Allah. Shifa min janabi Allah hai. Listen to it 3 times a day, morning, afternoon, evening, for 7 consecutive days, while healthy people should listen only once a day. This research has been attributed to Hazrat Makhdoom Sayyid Safdar Ali Bukhari, famously called as Kakiyanwali Sarkar, Kalandar Pak Rahmatullah Alayh, whose illuminating mystical focus and concern enlightens the languid hearts of suffering and pain-stricken humanity. Peace and blessings be upon Kalandar Pak Rahmatullah Alayh. From Varis-e-Kalandar.